पीसी होटल लाहौर में प्री बजट सेमिनार का अहतमाम। चेयरमैन पीआरए जावेद अहमद ने मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्त का इस्तकबाल किया। सेमिनार में साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर हफीज पाशा, सेक्रेटरी फाइनेंस शेख हामिद याकूब और लाहौर टैक्स बार के सदर मुअन्निम सुल्तान समेत प्राइवेट कंपनियों के अहदेदारों ने भी शिरकत की। सेमिनार के दौरान तमाम शुरका से बजट के हवाले से राय ली गई। इस मौके पर वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त का कहना था कि सूबे में मेट्रो ट्रेन से ज्यादा शहरियों के लिए अस्पताल की जरूरत है। मेट्रो ट्रेन बन तो रही है, मगर मुझे ऐसे शहर का भी बताएं जिसमें मेट्रो ट्रेन बन रही हो, जहां पे अभी भी अस्पताल के बाहर इतनी लंबी लाइनें हों, वहां के बच्चे जो अस्पताल में जा रहे हों उनको चूहे काट रहे हों। ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसमें मेट्रो बन रही हो जिसमें ये चीजें भी हो रही हों। सूबाई वजीर खजाना ने मजीद कहा कि शहरियों को साफ पानी फराहम करने के लिए जंगी बुनियादों पर मनसूबा बंदी की जा रही है। हमारे हेल्थ कार्ड मनसूबे से 100% शहरी अपना इलाज करवा सकेंगे। 20 लाख आदमी इसमें से सिर्फ 40,000 उसको इस्तेमाल करें। हम इस सारे मॉडल को रिविजिट कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हम समझते हैं जरूरी है, और जब हम लेके आएंगे आप देखिएगा इंशाल्लाह इसकी यूटिलाइजेशन भी अच्छी होगी, इसके पैनल्स के हॉस्पिटल भी अच्छे होंगे, और जो इसका कवर पैकेज होगा वो भी पिछले पैकेज से बेहतर होगा। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्त का कहना था कि पंजाब बैंक पर आने वाला बुरा वक्त गुजर चुका, पंजाब बैंक में कोऑपरेटिव गवर्नेंस लाएंगे। कैमरामैन आकिल आशिक के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़।